Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ हिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ, विच इज़ बेस्ड ऑन गुरु अमरदास जी. हिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस चेंज हो चुका है, तो कुछ वीडियोस मैंने लास्ट ईयर अपलोड किए थे और कुछ वीडियोस जो है आपके HCP सिलेबस से भी मैच करते हैं. तो मैंने एज इट इज़ वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है लाइन वाइज बना दी है, तो अगर आपने वो सारे वीडियोस देखने हैं आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करके चेक कर सकते हो. मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दिया है. और कुछ वीडियोस जो है अभी थोड़ी सी पेंडिंग है, मैं ट्राई करूँगी जितना जल्दी हो सके आपके BA फोर्थ सेमेस्टर की हिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट कर दूँ आपके एग्ज़ाम से पहले, ताकि आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सको. और इनकेस अगर इन वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आई विल ट्राई जितना जल्दी हो सके मैं रिप्लाई करूँगी. नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. सो क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द लाइफ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गुरु अमरदास जी. सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन. गुरु अमरदास जी वॉज अ थर्ड गुरु ऑफ द सिख. तो सिख कम्युनिटी के जो थर्ड गुरु हैं वो गुरु अमरदास जी हैं. ही रिटेन्ड गुरुशिप फ्रॉम 1552 टू 1574 AD. तो उनकी जो गुरुशिप है कि जब वो गुरु बने थे थर्ड सिख कम्युनिटी के, तो उनका टाइम पीरियड क्या है, 1552 से लेके 1574. देन गुरु अमरदास जी अज्यूम्ड गुरुशिप दैट सिख पाथ वॉज पासिंग थ्रू अ क्रिटिकल जंक्शन. तो जिस टाइम पे गुरु अमरदास जी थर्ड गुरु बनते हैं सिख कम्युनिटी पे, सिख कम्युनिटी के, उस टाइम पर जो सिख कम्युनिटी है काफ़ी क्रिटिकल फेज से गुजर रही थी, बिकॉज उस टाइम पर मुगल्स जो थे वो रूल करते थे इंडिया में, और मुगल्स और सिख कम्युनिटी की काफ़ी सारी बैटल्स होती थी और मुगल कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करती थी सिख कम्युनिटी के साथ. सो गुरु अमरदास जी कॉन्टिन्यू द वर्क स्टार्टेड बाय गुरु अंगद देव जी फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म. सो गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी द्वारा जो उन्होंने वर्क स्टार्ट किया था उसी को कॉन्टिन्यू कर रहे थे, और सिख कम्युनिटी को और पॉपुलर करने के लिए लोगों तक जो अवेयरनेस है, लोगों तक जो टीचिंग्स हैं वो पहुंचा रहे थे. नेक्स्ट आपकी हेडिंग आएगी लाइफ. गुरु अमरदास जी वॉज बॉर्न इन अमृतसर. गुरु अमरदास जी का जन्म अमृतसर में हुआ था. हिज फादर तेज बहान, उनके फादर का नाम तेज बहान था. नो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल अबाउट हिज मदर्स एक्चुअल नेम. कोई भी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है उनके मदर के नेम के रिलेटेड. एज हिज पेरेंट्स वर फॉलोअर ऑफ वैष्णव सेक्ट, उनके पेरेंट्स जो थे वो वैष्णव सेक्ट में बिलीव करते थे, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते थे. ही ऑल्सो बिकम अ फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म, इसीलिए जो गुरु अमरदास जी हैं वो भी वैष्णविज्म को ही फॉलो करते थे. ही यूज टू गो हरिद्वार एवरी ईयर टू टेक अ बाथ इन द गंगा. वो हर साल जो है हरिद्वार जाते थे गंगा में बात लेने के लिए, बिकॉज गंगा इज़ अ होली और सेक्रेड रिवर इन इंडिया. एट द एज ऑफ 24 ही वॉज मैरिड टू मनसा देवी जी. 24 साल के थे जब उनकी मैरिज हुई मनसा देवी जी से. ही वॉज ब्लेस्ड विथ 2 सन्स, उनके 2 बेटे थे बाबा मोहन एंड बाबा मोहरी, और 2 डॉटर्स थी बाबा धानी और बाबा भानी. वन डे अमरदास हर्ड द बानी ऑफ गुरु नानक देव जी फ्रॉम बीबी अमरो डॉटर ऑफ गुरु अंगद देव जी. तो एक दिन गुरु अमरदास जी है बानी सुनते हैं गुरु नानक देव जी, जो कौन सुना रहा होता है, बीबी अमरो जो डॉटर थी उस टाइम पे, जो सेकंड गुरु थे सिख कम्युनिटी के गुरु अंगद देव जी की. तो वो जो टीचिंग्स हैं वो सुनकर बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो गुरु अंगद देव जी से मिलेंगे. सून ही विजिटेड खदौर साहिब, और वो बहुत ही जल्द जाके गुरु अंगद देव जी से मिलते हैं खदौर साहिब में. ही वॉज सो मच इंप्रेस्ड बाय गुरु अंगद देव जी दैट ही बिकम फॉलोअर्स. गुरु अंगद देव जी से मिलने के बाद, उनकी टीचिंग सुनने के बाद, वो इतने ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि वो सेकंड गुरु के जो है फॉलोअर बन जाते हैं. ही सर्व्ड गुरु अंगद देव जी डेडिकेटली फॉर अबाउट 11 ईयर्स. तो 11 साल तक गुरु अमरदास जी जो है गुरु अंगद देव जी के साथ रहते हैं और सिख कम्युनिटी के लिए अच्छे काम करते हैं, वेलफेयर एक्टिविटीज करते हैं. अकॉर्डिंग टू सिख ट्रेडिशन गुरु अंगद देव जी प्लेस्ड 5 पैसा एंड 1 कोकोनट बिफोर गुरु अमरदास एंड बोथ हिज हेड बिफोर हिम. तो सिख ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो गुरु अंगद देव जी हैं, जो उस टाइम पे सेकंड गुरु थे, वो 5 पैसा और 1 कोकोनट रखते हैं गुरु अमरदास जी के सामने, और ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखते हुए उन्हें थर्ड गुरु बनाते हैं सिख कम्युनिटी का. दस अमरदास जी बिकम द थर्ड गुरु ऑफ द सिख एट द एज ऑफ 73 ईयर्स. सो जिस टाइम पर गुरु अमरदास जी थर्ड गुरु बनते हैं सिख कम्युनिटी के, उस टाइम पर उनकी एज थी 73 ईयर्स. नेक्स्ट अब हमने पॉइंट्स डिस्कस करने हैं कि गुरु अमरदास जी ने सिख कम्युनिटी को पॉपुलर करने के लिए और उनका वेलफेयर करने के लिए क्या स्टेप्स लिए थे. सबसे पहला पॉइंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ बेओली एट गोइंडवाल साहिब.
The first significant step undertaken by the Guru Amar Das Ji for the development of Sikhism was the construction of Beoli at Goindwal Sahib. तो सबसे पहला step जो गुरु अमरदास जी ने लिया था वो Beoli बनाया था. Beoli एक लार्ज वाटर रिजर्वायर होता है जहाँ पानी इकट्ठा किया जाता है और वहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटीज की जाती हैं. इट गिव द सिख अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज ऑफ देयर ओन एंड इट हेल्प इन सेपरेटिंग द सिख फ्रॉम द कॉमन मास ऑफ द हिंदूज. तो सिख कम्युनिटी को अपनी एक ऐसी रिलीजियस प्लेस मिल जाएगी जहाँ पर आकर वो रिलीजियस एक्टिविटीज कर सकते हैं और साथ के साथ टीचिंग सुन सकते हैं गुरुओं की, और साथ के साथ उनको एक सेपरेट जगह मिल जाएगी हिंदू से अलग वर्शिपिंग करने की. क्योंकि पहले के टाइम में जो सिख कम्युनिटी के लोग थे वो हिंदू रिलीजन को फॉलो इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि उसमें काफ़ी सारे इविल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता था. उस चीज़ को सेपरेट करने के लिए अलग से एक वाटर रिजर्वायर बनाया था Beoli गोइंडवाल साहिब में गुरु अमरदास जी ने. सेकेंड पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ लंगर इंस्टीट्यूशन. गुरु नानक देव जी स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ लंगर. सो जो लंगर का इंस्टीट्यूशन था, जो लंगर सिस्टम था, वो गुरु नानक देव जी ने शुरू किया था जो फर्स्ट गुरु थे सिख कम्युनिटी के. गुरु अमरदास जी एक्सपेंडेड इट ग्रेटली. उसी चीज़ को फॉलो करते हुए टीचिंग्स को उन्होंने भी आगे लंगर इंस्टीट्यूशन को और एक्सपैंड किया. गुरु अमरदास जी डिक्लेयर दैट नो विजिटर कुड मीट हिम अनलेस ही हैड टेकन द लंगर. गुरु अमरदास जी ने ये डिक्लेयर किया था वो किसी भी विजिटर से मीट नहीं करेंगे जब तक आकर वो पहले लंगर नहीं लेते हैं. उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, पहले पंगत पाछे संगत, यानी फर्स्ट वो जो है बैठकर एक साथ खाएंगे चाहे किसी भी कम्युनिटी के हों ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कम किया जा सके, देन उसके बाद वो किसी भी पर्सन से मिलेंगे. नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है कलेक्शन ऑफ हाइम्स. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ गुरु अमरदास जी वॉज टू कलेक्ट द हाइम्स बानी ऑफ गुरु नानक देव जी एंड गुरु अंगद देव जी. जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क गुरु अमरदास जी ने किया है, तो जितनी भी टीचिंग्स थी जो फर्स्ट एंड सेकेंड गुरु थे उनकी टीचिंग्स को इकट्ठा एक साथ कलेक्ट कर उन्हें एक जगह जो है कंपोज करवाया. ही हिमसेल्फ कंपोज 907 शब्द. उन्होंने खुद भी अपने जो शब्द हैं उसमें ऐड किए. नेक्स्ट पॉइंट है मांझी सिस्टम. ड्यूरिंग हिज गुरुशिप द नंबर ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ द सिखिज्म हैड इंक्रीज कंसिडरेबली. दस इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर गुरु अमरदास जी टू रीच एवरी सिख. जब गुरुशिप संभाली थी गुरु अमरदास जी ने उस टाइम पर जो फॉलोअर्स हैं सिख कम्युनिटी के वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए थे. सो इसीलिए मुश्किल हो रहा था गुरु अमरदास जी के लिए कि वो हर एक कोने तक पहुँचे, अपनी टीचिंग्स जो है वो लोगों तक दें. सो ही एस्टैब्लिश 22 मांझीज टू कन्वे द मैसेज ऑफ सिखिज्म लिविंग इन फार ऑफ एरियाज. तो इसीलिए उन्होंने 22 मांझीज जो है यानी 22 सिख कम्युनिटी के जो पर्सन है उनको अपॉइंट किया ताकि वो दूर वाले एरियाज तक जाकर जो टीचिंग्स हैं वो सिख कम्युनिटी के पहुँचाएँ. दिस पोस्ट वॉज गिवन ओनली टू अ वेरी पायस सिख. जो सिख कम्युनिटी के सबसे बेस्ट लोग हैं, जो पायस लोग हैं, जो प्योर है, जो टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, उन लोगों को ही मांझी बनाया गया. द एरिया ऑफ प्रोपेगेंडा ऑफ द मांझेदार वॉज नॉट लिमिटेड टू एनी स्पेसिफिक एरिया. तो जो एरिया था मांझेदार का जहाँ पर जाके उन्हें टीचिंग्स देनी है वो कोई एरिया स्पेसिफाई नहीं किया गया था. ही कुड विजिट एनी प्लेस फॉर द प्रोपेगेंडा एट हिज विल. तो वो किसी भी एरिया में जा सकते हैं टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए. दीज मांझेदार अपील टू मोर एंड मोर पीपल टू ज्वाइन सिखिज्म. मेन वर्क इनका क्या रहता था मांझेदार का कि लोगों को टीचिंग्स जो है वो देना, साथ के साथ लोगों को अपील करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आकर सिख कम्युनिटी को ज्वाइन करें और उससे जुड़े. नेक्स्ट आपका पॉइंट है सोशल रिफॉर्म्स. गुरु अमरदास जी वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर. ही वॉन्टेड टू गिव अ न्यू फॉर्म टू द सोशल सेटअप ऑफ द सिख. सो गुरु अमरदास जी एक सोशल रिफॉर्मर थे यानी समाज सुधारक थे जिन्होंने सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ों को ठीक किया और वो चाहते थे कि सोसाइटी में जो सेटअप है वो काफ़ी हद तक चेंज हो क्योंकि काफ़ी सारी बुराई और इविल प्रैक्टिसेस उस टाइम पे सोसाइटी में फॉलो की जाती थी. गुरु अमरदास जी लॉन्च्ड अ फ्रंटल अटैक ऑन द कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी. सबसे पहले उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया, कास्ट सिस्टम पे, क्योंकि उस टाइम पर लोग जो है जातियों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे. अनटचेबिलिटी छुआछूत जो थी कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके साथ बैठकर खाना नहीं है, उनके साथ चीज़ें शेयर नहीं करनी है, उनके साथ पढ़ना नहीं है बैठकर. तो अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम को काफ़ी हद तक अपोज किया गुरु अमरदास जी ने. He made it compulsory for each visitor to eat food in the langar before he was allowed to have Guru Darshan. तो गुरु के दर्शन करने से पहले सबको लंगर जो है वो लेना पड़ेगा यानी फूड खाना पड़ेगा एक साथ बैठकर, जिससे जो अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम की प्रॉब्लम है वो ठीक की जा सकती है.
इन दिस वे गुरु अमरदास जी लेड एम्फेसिस ऑन द यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड. तो इस तरीके से गुरु अमरदास जी ने जो भाईचारे की फीलिंग है उसको जनरेट करने के लिए लोगों को लंगर सिस्टम के बारे में अवेयर किया. गुरु अमरदास जी ऑल्सो कंडेम द सती सिस्टम. गुरु अमरदास जी ने सती सिस्टम को भी अपोज किया जिसमें हस्बैंड की डेथ के बाद वुमेन को साथ में जला दिया जाता था. तो इसके बारे में भी गुरु अमरदास जी ने लोगों को अवेयर किया. गुरु अमरदास जी अपोज चाइल्ड मैरिज एंड द पर्दा सिस्टम. उसके अलावा जो चाइल्ड मैरिजेज हैं, पर्दा सिस्टम है जिसमें वुमेन अपना फेस कवर करके रखती हैं, उस चीज़ को अपोज किया. ही वॉज इन फेवर ऑफ विडो री मैरिज. उन्होंने बोला कि विडो जो विधवा है उनकी दोबारा से री मैरिजेज जो हैं वो होनी चाहिए. गुरु अमरदास जी वॉन्टेड टू क्रिएट अ न्यू सोशल ऑर्डर बाय रिमूविंग ऑल सच इविल्स. तो जितनी भी बुराइयाँ हैं समाज से ख़त्म करकर गुरु अमरदास जी एक नया सोशल ऑर्डर क्रिएट करना चाहते थे समाज के अंदर. गुरु अमरदास जी लेट स्ट्रेस ऑन द इंटरकास्ट मैरिजेस. उसके अलावा उन्होंने बोला कि इंटरकास्ट मैरिजेस पॉसिबल होनी चाहिए, कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही कास्ट में आपकी मैरिज हो. इससे क्या होगा, ब्रदरहुड की फीलिंग जो है वो जनरेट होगी लोगों के अंदर, लोग एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे. ही स्ट्रांगली फॉरबिड द यूज ऑफ नार्कोटिक्स. उन्होंने बोला किसी भी तरीके के इंटॉक्सिकेंट और नार्कोटिक्स नहीं लेने चाहिए. ही सेड दैट ऑल काइंड्स ऑफ नार्कोटिक्स डिस्ट्रॉय वंस इंटेलिजेंस एंड वन फेल्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फ्रेंड एंड द फो. गुरु अमरदास जी ने कहा कि अगर हम किसी भी तरीके का नार्कोटिक्स इंटॉक्सिकेंट या ड्रग लेते हैं तो हम इस चीज़ को पहचान नहीं पाएंगे कि कौन हमारा फ्रेंड है एक्चुअल में, कौन हमारा दुश्मन है. तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि जितने भी नार्कोटिक्स हैं वो हमें अवॉइड करने चाहिए. गुरु अमरदास जी कंपोज्ड अनंत साहिब टू बी संग ऑन मैरिज एंड ऑल अदर ओकेजन्स. तो गुरु अमरदास जी ने अनंत साहिब को भी कंपोज किया जो मैरिजेस के टाइम में और जितने भी ओकेजन्स होते हैं उस टाइम पर गाए जा सकते हैं. नेक्स्ट आपका पॉइंट है अकबर्स विजिट टू गोंडवाल साहिब. अकबर हैड आस्क्ड गुरु अमरदास जी फॉर अरदास prayer to God for his success in the campaign of Chittor in 1567 AD. अकबर जो है गुरु अमरदास जी के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि वो अरदास करें, प्रेयर करें गॉड के पास कि उनकी जो जीत हुई है चित्तौड़ बैटल में 1567 में. और जो अकबर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं लंगर सिस्टम से, जिसके अंदर जो सारे कास्ट के लोग हैं एक साथ बैठकर लंगर खाते हैं, जो गरीब लोग हैं उनको लंगर दिया जाता है. सो गुरु अमरदास जी की पर्सनैलिटी और लंगर सिस्टम और उनकी टीचिंग से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं अकबर कि वो उन्हें जो है विलेजेस जो हैं वो ऑफ़र करते हैं एज अ जागीर, ताकि वो लंगर सिस्टम को और एक्सपैंड करें और लोगों को इसी तरीके से मदद करते रहें. आपका लास्ट पॉइंट है नॉमिनेशन ऑफ द सक्सेसर. गुरु अमरदास जी डिसाइडेड टू नॉमिनेट भाई जेठा जी एज ए सक्सेसर बिफोर ही इमर्ज्ड विद इमॉर्टल. यानी कि गुरु अमरदास जी अपने बाद गुरु जेठा जी को जो है नेक्स्ट सक्सेसर बनाते हैं, यानी फोर्थ गुरु बनाते हैं सिख कम्युनिटी का. गुरु अमरदास जी वॉज सो मच इम्प्रेस्ड बाय द हम्बलनेस एंड द डिवोशनल सर्विस ऑफ द भाई जेठा जी. भाई जेठा जी की पर्सनैलिटी और सर्विस को देख कर गुरु अमरदास जी बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि उनके बाद जो फोर्थ गुरु बनेंगे वो भाई जेठा जी होंगे. एंड में कॉन्क्लूजन 4-5 लाइन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कॉन्क्लूजन इन द एंड. इससे आपका आंसर जो है कॉन्क्लूड हो जाएगा. कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो. इनकेस आपको लाइंस नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइंस लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कॉन्क्लूजन लिखना इज मस्ट. I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.